हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं एटी सिटी पर। आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ रने फॉल, जो कि छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में स्थित है एंड खजुराहो से करीब 22 किलोमीटर आगे है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। रने फॉल एक वाटरफॉल है और यहाँ पर कैन घड़ियाल भी है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ, कैन घड़ियाल दिखाते हैं आज। आप कहीं पर भी जाते हैं और अगर गाय बछड़ा दूध पीते हुए दिख जाता है तो आपकी यात्रा मंगलमय होती है। कमेंट्री भी करना है, कुछ बोलना है देखो बेटा साइड देखो। तो हम लोग खजुराहो से निकलकर अभी पहुंचे हैं सत्ती की मड़िया। करीब 3 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करके ये सत्ती की मड़िया है राजनगर और खजुराहो के बीच में। यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो रने फॉल का रास्ता आता है, तो यहाँ से अभी हम राइट मुड़ेंगे और करीब 18 किलोमीटर यहाँ से समथिंग कुछ रने फॉल की दूरी है। तो करीब आधा घंटा शायद टाइम लगेगा यहाँ से। तो रने फॉल के रास्ते में ये जो है जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपके टीथ के आकार की पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इन पहाड़ी का नाम रखा गया है दंतला हिल्स। लोग यहाँ के स्थानीय लोग इसको दतला बोलते हैं, दतला पहाड़, बट इसको अगर आप ओरिजिनल नाम देखेंगे तो इसका नाम है दंतला हिल्स। दंतला हिल एकदम जबड़े के आकार का, दांत उठे हुए पूरा दिखाई देता है और इसी से लगा हुआ आपको आगे हमारे साथ हैं छोटा भाई विपिन तिवारी, चाची और मनु। किधर है मनु? तो पता नहीं, दिख नहीं रहा है। एंड स्वाति कहाँ है? पीछे से हेलो तो कर दो। हेलो हेलो हेलो। रने फॉल, तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रने फॉल के गेट तक। यहाँ पे शायद टिकट सिस्टम होता है, टिकट लेने के बाद यहाँ से अंदर जाने को मिलेगा। गाइड की भी व्यवस्था यहीं पे हो जाएगी। तो गाइड पैदल साइकिल 50 रुपये, दो पहिया वाहन 100 रुपये, तीन पहिया वाहन 200 रुपये, चार पहिया वाहन आप कार से आते हैं तो आपको 300 रुपये है और अधिकतम व्यक्ति 6 लोग आ सकते हैं और मिनी बस 600 रुपये है। गाइड शुल्क करीब 125 रुपये प्रति वाहन अनिवार्य है, तो वाहन के साथ गाइड जरूर लेना है 125 रुपये देकर। क्योंकि गाय बछड़ा मिला था हमको दूध पीते हुए, तो किस्मत हमारी अच्छी है, हम पहुँच जाएंगे। ये हम आ चुके हैं गेट के अंदर और आगे वेलकम लिखा है। चलिए अंदर मंदिरों की मस्ती भी दिखाते हैं। हेलो हेलो। तो हम लोग आ चुके हैं रने फॉल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर और एकदम सुनसान एरिया है आज, क्योंकि वेडनेसडे का दिन है। तो वेडनेसडे के दिन हाफ डे तक ही रहता है, इस वजह से लोग जो भी आए थे वो या तो अंदर होंगे या आके निकल गए होंगे। तो देखते हैं अभी अंदर कौन मिलेगा। लोग पहुंच चुके हैं केन सेंचुरी के पार्किंग में और ये पार्किंग है करीब मेन गेट से 1.5 किलोमीटर अंदर है और इसको केन सेंचुरी बोलते हैं, केन घड़ियाल अभ्यारण भी बोलते हैं। तो शायद आप लोगों को घड़ियाल के भी दर्शन हो सकते हैं। धूप थोड़ा सा कम है अभी, तो पता नहीं बाहर होंगे या नहीं होंगे, बट हो सकता है घड़ियाल के भी दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पर गाड़ियाँ पार करने के बाद फिर ये जो रास्ता दिख रहा है सामने, यहाँ से जाके और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो विपिन, आप कुछ कहना चाहते हो? जी, और इसका एक मुख्य तथ्य ये है कि ये पन्ना रिजर्व टाइगर जो है उसकी ही एक सब ब्रांच है और इसमें मुख्य रूप से आपको घड़ियाल और मगरमच्छ मिलेंगे। मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर ये होता है कि जो घड़ियाल होता है वो मगरमच्छ से छोटा होता है, लेकिन उसका जो मुँह होता है वो मगरमच्छ से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये दोनों एक प्रकार से लगभग एक ही प्रजाति है और इसलिए आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ये दोनों जानवर देखने को मिलेंगे। चलिए तो दिखाते हैं, घड़ियाल भी दिखाते हैं और मगरमच्छ भी दिखाते हैं। मनु, हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? रने फॉल। रने फॉल में क्या करने आए हैं? रने फॉल में क्या करने आए हैं? खेलने आए हैं, मस्ती करने आए हैं। मस्ती तो रावण भी करता था, शैतानी करता था ना रावण।
लो एक एक भाई साहब, एक एक यहाँ से भाई साहब, ये वीडियो में डाल देना। कितना विशाल काय। ये जो वाटरफॉल है ये केन नदी पर स्थित है और इसको 2017 में सबसे पसंदीदा वाटरफॉल की स्थिति में की श्रेणी में रखा गया था और इसको अवार्ड भी किया गया था 2017 में। ये बहुत ही विशाल है, ये देखिए। ये चट्टाने देखिए, ये वोल्केनो से बनी हुई चट्टाने हैं। इनमें कलर कितने, 3-4 टाइप के कलर हैं और ये कई हजार साल से ऐसे ही बने हुए हैं। ये कलर हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इसमें ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर भी है। दोस्तों ये देखिए, हम आ चुके हैं रने फॉल। रने फॉल जो है एक पन्ना रिजर्व जो है उसका ही हिस्सा है और ये केन नदी के ऊपर बनाया गया है 2017 में। इसको सबसे पसंदीदा वाटरफॉलों की श्रेणी में रखा गया था, इसको अवार्ड भी किया गया था और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में खजुराहो से करीब 22 किलोमीटर अंदर स्थित है। तो यहाँ पर कभी भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ का जो सिस्टम है वो टिकट सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको 200-500-600 रुपये समथिंग कुछ टिकट सिस्टम है जो आपको गेट पर देना होता है। दो गेट रहते हैं, यहाँ पर आपको गाइड भी मिलता है और यहाँ पर सारी आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है ताकि आप लोग कहीं इधर उधर भटक ना जाएं। और ये जो लगाई गई है, ये जो छड़े लगाई गई हैं, पहले नहीं थी यहाँ से 10 साल पहले करीब ये सब नहीं हुआ करता था तो लोग नीचे भी जाते थे, बट कुछ हादसे ऐसे हो गए कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने सोचा और इसके बाद ये सारी चीज़ों का सेफ्टी का इंतज़ाम किया गया ताकि लोग यहाँ से कूदे ना। और लोगों की हादसे भी, कई सारे हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों की जान भी गई है। तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा है और यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट भी किया गया है। पहले वाह सुपर बढ़िया। अरे वाह यार, हाथ ये। और देखिए खतरों के खिलाड़ी के सुपरस्टार की एंट्री होती है यहाँ पे। काफी कठिन रास्ता लेकिन सभी सरहदों को पार करते हुए काफी रिस्की है। ये 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 एक हजार साल से बैठे हुए महात्मा श्री 1008 श्री अशोक जी महाराज, अशोकानंद महाराज एटी सिटी को प्रमोट करने के लिए आए हैं केन घड़ियाल में। पीछे घड़ियालों का तांता लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितने घड़ियाल हैं, मगरमच्छ भी हैं
हेलो हेलो मनु, हेलो करो, कहाँ जा रहे हो? सारे टूर की थकावट के बाद यहाँ पर आके रेस्ट करने के लिए कैंटीन है, बट कैंटीन आज बंद हो चुकी है। ट्यूसडे वेडनेसडे का दिन है, तो वेडनेसडे के दिन 12-1 बजे तक ही कैंटीन रहती है, 2 बजे तक रहती है, बट अभी बच चुके हैं 5, तो कैंटीन बंद हो चुकी है। तो नॉर्मल डेज में यहाँ पर खाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, कोई खाना चाहता है तो लाने की जरूरत नहीं है घर से कुछ। आओ, ठीक है, संभाले। तो फॉरेस्ट में ये सामने रिसॉर्ट भी बनाया है, अगर कोई आके रुकना चाहता है, जंगल के मजे लेना चाहता है, खुले नेचर में रुकना चाहता है, तो यहाँ पर एक दिन के लिए ठहर भी सकता है। करीब 3800 रुपये यहाँ का चार्ज है एक दिन रुकने का। चलिए, रने फॉल का टूर हुआ पूरा और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। निकलते समय शाम के बज चुके हैं करीब 5:30। यहाँ का आज का बुधवार का दिन है, तो यहाँ पर जल्दी लोग निकल जाते हैं, इसलिए हम लोग लास्ट में हम ही बचे हैं। तो आपको लोगों को लोग नहीं दिख रहे हैं पीछे। एक दिन के लिए ये बहुत ही अच्छा टूर है। अगर आप खजुराहो आते हैं तो खजुराहो के पास ही है, 22 किलोमीटर, तो ज़रूर देख के आए एक बार रने फॉल। बहुत ही प्यारी जगह है, जंगलों के बीच, आपको बड़ा आनंद आएगा। चलिए विपिन, कुछ क्लोजिंग कमेंट। जी, तो मुझे लगता है सर ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर खजुराहो से कैन अभ्यारण्य की डिस्टेंस है, और ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे पर्याप्त मुझे लगता है खजुराहो से यहाँ तक आने के लिए। तो एक अगर आपके पास एक दिन का समय है तो खजुराहो से यहाँ तक आने के लिए घूम के जाने के लिए चार घंटे पर्याप्त है, और मुझे लगता है एक दिन में आप खजुराहो भी कवर कर सकते हैं, कैन अभ्यारण्य भी कवर कर सकते हैं, और इवन अगर आप चाहें तो पन्ना टाइगर भी कवर कर सकते हैं। एक दिन में ऐसा नहीं होगा, ये सब कहने की बातें हैं। आप लोग टाइम निकाल के आइए जब भी आइएगा, क्योंकि खजुराहो कवर करने के लिए करीब 2 से 3 दिन निकाल के आइए, क्योंकि वहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न 2-3 टाइप के ग्रुप हैं, जहाँ पर एक अलग समूह है मंदिरों का, दो समूह है, तीसरा जैन मंदिर भी है वहाँ पर, काफ़ी सारे मंदिर हैं जहाँ पर घूमने के लिए आपको समय की ज़रूरत पड़ती है। थकावट के बाद कुछ आराम भी करना पड़ेगा, फिर रने फॉल आएंगे, फिर पन्ना टाइगर जाएंगे, तो ये करीब 1 हफ्ते का टूर बनता है पूरा। बिल्कुल, अगर कहीं से भी आते हैं कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फ्लाइट का कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा खजुराहो फ्लाइट का कनेक्टिविटी है। अगर आप बाहर से आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जबलपुर है और प्रयागराज है। अगर डायरेक्ट खजुराहो आना है फ्लाइट से तो दिल्ली से कनेक्टिविटी लेके आ सकते हैं, और बाय रूट आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन भी है, बस से भी आ सकते हैं और बाय कार भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, कभी भी प्लान बनाएं, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का टाइम बहुत अच्छा रहता है खजुराहो आने के लिए। तो चलिए, धन्यवाद, क्लोज करते हैं यहीं पे। जी धन्यवाद। नचने का तनक नच लो भैया, हैं।